अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो प्री कैलकुलस का हम कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और वो पोर्शन कहलाता है फंक्शंस का। अब इसमें फंक्शन की बेसिक आपको पता होनी चाहिए और उसके बाद जो मेजॉरिटी पोर्शन है फंक्शन के अंदर वो इसकी टाइप्स है। डिफरेंट किस्म के आपको फंक्शंस की टाइप्स मिलेगी। कोई फंक्शन अलजेब्रिक कैटेगरी में आते हैं, कोई ऐसे फंक्शन होते हैं जो अलजेब्रिक नहीं है, ट्रांसेंडेंटल जिसको कहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे आप फंक्शन देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रांसेंडेंटल में आते हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक अलग ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन की बहुत ही मेजर टाइप है। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अच्छा, कुछ ऐसे फंक्शन आप देखोगे यूजिंग डोमेन एंड रेंज हमने उनको डिवाइड किया है, तो कहने का मतलब काफी, और कुछ रैंडम आप फंक्शंस देखोगे, स्टेप फंक्शंस हैं, बहुत से फंक्शन है जो हम इसमें देखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। तो स्टार्ट करते सबसे पहले, फंक्शन पढ़ने से पहले आपको रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। रिलेशन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। बैकग्राउंड ये होता है कि यार देखो, दुनिया में अगर आप कोई भी फिनोमिना देखो, तो अगर आप दो क्वांटिटीज की बात करो तो उनके दरमियान आपको डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट का रिलेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी सिंपल से एग्जाम्पल आप समझो कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हो, एज्यूम करो कि टाइम के हिसाब से आपकी स्पीड में कोई फर्क चेंजिंग नहीं आ रही, या कोई और फैक्टर की वजह से आपकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो क्या है कि फॉर एग्जांपल आप लोकेशन पे डिपेंड करती है आपकी स्पीड। अगर कोई ऐसी रोड प्रॉपर बनी हुई है, आपकी स्पीड उसमें प्रॉपर होगी। अगर रोड नहीं है, कोई स्ट्रीट है, स्ट्रीट भी कोई टूटी फूटी है, रोड सही नहीं बनी हुई, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब जो आपकी स्पीड है वो डिपेंड करिए कि आप किस लोकेशन के ऊपर हो। लोकेशन अगर आपकी चेंज हो रही है तो वहां पे स्पीड पे फर्क पड़ रहा है। अच्छा, रियल लाइफ में कोई भी चीज जब चेंज होती है ना, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि बस वो किसी एक वजह से चेंज हो रही होती है, लेकिन हम उसको इजी करने के लिए हम कहते हैं कि भाई उसमें एक ही इंडिपेंडेंट है, मतलब एक ही क्वांटिटी है जिस पे जो डिपेंडेंट है ना वो रिलाई कर रही है, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट, एक ही डिपेंडेंट, ये हम कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप रियल सिस्टम में देखो, एक इंडिपेंडेंट नहीं होता, बहुत से इंडिपेंडेंट आपको मिल जाते हैं। इसी को थोड़ा मैथमेटिकल अंदाज में हम समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सर्किल बना रहे हो, जो सर्किल का एरिया होता है वो सेंटर पर डिपेंड नहीं करता। आप सेंटर कोई भी पॉइंट ले लो, एरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया को फर्क उस वक्त पड़ेगा जब आप सर्किल का रेडियस डिफरेंट करोगे। अगर एक सर्किल का रेडियस 5 है तो उसका एरिया अलग होगा, अगर एक सर्किल का रेडियस 10 है तो उसका एरिया अलग होगा। इसका मतलब एरिया डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर। जैसे आप रेडियस की वैल्यू चेंज करोगे, आपके पास एरिया भी चेंज हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूं कि चीजें एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती हैं। अगर आप फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स देखो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे तो वहां पे एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती थी जिसको आप चेंज करते थे और आप देखते थे कि उसका असर डिपेंडेंट पे क्या फर्क है। तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो होती है जिसको आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हो, और डिपेंडेंट क्या होती है कि जो आपने इंडिपेंडेंट को कंट्रोल किया तो आप फिर मेजर करते हो कि यार डिपेंडेंट क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे बहुत से आपने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किए होंगे, आप लोग अगर सोचोगे तो आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब दो वेरिएबल आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमने रूल ये रखा होता है कि जो एक्स एक्सिस है उस पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करोगे और वाई एक्सिस पे आप डिपेंडेंट प्लॉट करोगे। नॉर्मली मैथ के अंदर एक्स को इंडिपेंडेंट लिया जाता है, वाई को डिपेंडेंट लिया जाता है। ये तो मैंने बेसिक आपको थोड़ी सी बातें बता दी है। अब सवाल है कि रिलेशन जो वर्ड हम यूज करते हैं वो क्या रिलेशन, यही है कि यार दो वेरिएबल के दरमियान एक ताल्लुक, या इसको अभी समझ लो दो सेट के दरमियान एक ताल्लुक। जैसे एक सेट है रेडियस का, एक सेट है एरिया का। अब रेडियस की कुछ वैल्यूज है, फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20, ये एक पूरा सेट है जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो आपने फिक्स किया ना उसका सेट है, जिसको हम कहेंगे इनपुट। मतलब रेडियस 5 आप इनपुट कर सकते हो, 10 पुट कर सकते हो, 15 पुट कर सकते हो, और इसी तरह एक आउटपुट का सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल एरिया जब आपने 5 पुट किया तो एक फलाना एरिया आ रहा था, पाई आर स्क्वायर से निकाल लेना। इसी तरह 10 पुट किया था तो एक आउटपुट का सेट मिलेगा आपको, एक इनपुट का सेट मिलेगा। तो ये इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो ताल्लुक है इसको आप कहते हो रिलेशन। ये ताल्लुक क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने रेडियस पुट किया, आपको एरिया मिलेगा, लेकिन इतना सिंपल नहीं है कि पुट करोगे एरिया मिलेगा। कोई एक फॉर्मूला है ना, कोई एक रूल है जिसके तहत आपको एरिया मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि सर्किल को आप सर्किल का एरिया कैसे निकालोगे कि रेडियस आप पुट करोगे पाई आर क्यूब के अंदर तो एरिया आ जाएगा। नहीं, रिलेशन क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान जो ताल्लुक है ना, एक रूल है, उसको आप क्या बोलोगे कि इनके दरमियान ये रिलेशन है। ठीक है, जितने भी आप फॉर्मुले देख लो, स्क्वायर का फॉर्मुला कोई भी आप उठाओ, तो एक फंक्शन एक ताल्लुक होता है। इस रिलेशन को इस तरह समझो कि एक मशीन है पूरी, ठीक है,
आप इनपुट करते हो वो उसको प्रोसेस करती है। अब फॉर एग्जांपल अगर फंक्शन स्क्वायर का है तो वो उसको स्क्वायर करेगा, फंक्शन क्यूब का है तो उस मशीन उसको क्यूब करेगी, अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है तो वो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लेके आपको आंसर दे देगी जो भी है। तो रिलेशन को एक किस्म की आप मशीन समझ लो। तो रिलेशन के बारे में तो आपने देख लिया, ताल्लुक होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान। जो इंडिपेंडेंट है इनपुट आप कहते हो, जो डिपेंडेंट है उसको आउटपुट कहते हो। अब एक स्पेसिफिक किस्म का रिलेशन होता है, हम आप फंक्शन के ऊपर आ रहे हैं, एक स्पेसिफिक किस्म का रिलेशन है जिसको आप क्या बोलते हो, फंक्शन बोलते हो। अब रिलेशन और फंक्शन में फर्क क्या है? भाई देखो, रिलेशन के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने एक इनपुट किया और आपको आउटपुट दो मिल गए, ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक रिलेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मैं कहता हूं कि यार आप इसमें एक पुट करो, फॉर एग्जाम्पल x की जगह पे आप पुट कर दो 4, तो मैं क्या करूंगा x की जगह पे 4 पुट कर दूंगा और मैं देखूंगा मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है। मतलब x डिपेंड करता है इनपुट आपने क्या किया और y वैल्यू आपको आउटपुट देती है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आउटपुट मिलेंगे 2, एक मिलेगा +2, एक मिलेगा -2। इसका मतलब आपने इनपुट A किया था, आउटपुट आपको 2 मिले। कुछ केसेस में आउटपुट आपको बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो साइन फंक्शन है इसका जब आप इनवर्स निकालोगे तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि एक ही इनपुट पे आपको कितने ज्यादा आउटपुट मिल रहे होंगे। तो बहरहाल आप ऐसी एग्जाम्पल बहुत ढूंढ सकते हो, आपको मिल सकती हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब ये होता है कि रिलेशन तो एक जनरल बात बोल दी हमने, रिलेशन तो एक ताल्लुक है ना यार, लेकिन फंक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक किस्म का ताल्लुक है, स्पेसिफिक किस्म का रूल है। क्या है कि एक इनपुट का आपको एग्जैक्टली एक ही आउटपुट मिलेगा, अगर आपने एक इनपुट किया है और आपको एक ही आउटपुट मिलेगा, ये पहली बात। दूसरी बात, हर इनपुट का आउटपुट मौजूद होना चाहिए। ये दो बातें, दूसरी बात पे इतनी अहमियत नहीं दी जाती लेकिन दूसरी बात को भी ध्यान में रखना है कि भाई एक तो हर इनपुट का आपको आउटपुट मिले और हर इनपुट का एक ही आउटपुट मिले, तो वो जो रिलेशन होगा ना उसको आप क्या बोलोगे, फंक्शन। जैसे इसी चीज को मैं हल्का फुल्का चेंजिंग कर दूं, देखने में सेम लग रही है लेकिन अब ये रिलेशन ये भी है, रिलेशन तो जनरल वर्ड है ना, लेकिन अब ये फंक्शन कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसके अंदर एक इनपुट करूंगा, फॉर एग्जांपल एक्स की जगह मैं 4 पुट करता हूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 16। मैंने एक इनपुट किया और मुझे एक ही आउटपुट मिला, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है। तो ये बेसिकली मैंने आपको रिलेशन और फंक्शन आपस में आप लोगों को बताती है, ठीक है। और भी काफी एग्जाम्पल हो सकते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जैसे रियल लाइफ में अगर आप देखो तो जैसे मां बाप, ये समझ लो आपका और आपके फादर का। अब अगर मैं आपके रिस्पेक्ट से बात करूं तो ये फंक्शन है, जो आपका रिलेशन है ना आपके फादर से, फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आउटपुट एक ही है। मतलब अगर आप रिलेशन की बात करो, इनपुट है फॉर एग्जांपल आप लोग 3 बहन भाई हो, कंसीडर कर लो 3 बहन भाइयों का सेट है और दूसरा सेट जो है वो फादर का है फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चा नंबर ए जो है उसका अगर आप इनपुट करो, मतलब फादर उसका एक ही है, मतलब एक इनपुट, ताल्लुक जो है उससे क्या है, फंक्शन का है। इसी तरह दूसरा उसका भी वही फादर है, अकेला फादर है, ऐसा तो नहीं एक बच्चे के दो फादर हो, नहीं एक ही फादर है, इसका मतलब तीसरे का भी यही होगा। अच्छा इससे अच्छा अगर आप फादर के रिस्पेक्ट से बात करो तो फादर का रिलेशन जो अपने बच्चों से है वो फंक्शन नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि एक फादर के 2-3 बच्चे हो सकते हैं। इसको अगर आप इस तरह समझो ना, हम मैं एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैपिंग डायग्राम का, उसमें एक इनपुट का सेट होता है, एक आउटपुट का होता है, आप आपस में एरो लगा के उनको ज्वाइन कर रहे होते हो। और अच्छी एग्जांपल ये है कि सिंपल आप अपना रिलेशन और अपने गॉड का रिलेशन इसको कंसीडर कर लो कि आपका एक ही गॉड है, ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है। लेकिन अगर आप गॉड के रिस्पेक्ट से बात करो तो वो रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि गॉड के डिफरेंट मखलूक है इस दुनिया में, एक मखलूक नहीं है, डिफरेंट मखलूक है। तो गॉड का जो हमसे रिलेशन है वो क्या, रिलेशन ही कहलाया जाएगा, लेकिन हमारा जो गॉड से रिलेशन है वो फंक्शन कहलाया जाएगा। तो रियल लाइफ में भी आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो। बहरहाल हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को बेसिक बातें बता दी हैं। अच्छा कुछ अलग तरीके से भी फंक्शन को समझाया जाता है और अलग तरीके का मतलब मैथमेटिकल अंदाज में भी आपको चीज बताई जाती है, उसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं रिलेशन की हेडिंग डाल रहा हूं, आपको कंसीडर करना पड़ता है दो सेट, वही मैंने बात बताई थी, सेट ए और सेट बी, दो सेट होते हैं, एक को आप बोल दो इनपुट, एक को आप बोल दो आउटपुट का। बहरहाल ये हम कंसीडर करते हैं, तो आप कंसीडर कर लो जो सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट है 1-2 और सेट बी है उसके अंदर आप कंसीडर कर लो 3-4 है, ठीक है। आप क्या करो, आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है कि 1 को आप मल्टीप्लाई करो 3 से, लिखने का तरीका अलग होता है, 1,3 लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। इसी तरह 1 को 4 से करो 1,4, इसी तरह 2 को 3 से करो 2,3, 2 को 4 से करो 2,4, ठीक है।
तो ये मैंने क्या किया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया। तो रिलेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन ये भी है कि सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप सबसेट निकालो उसको आप क्या बोलोगे, रिलेशन बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल सबसेट मैं ये लेता हूं कि मैं इस शुरू के दो ले लेता हूं, तो ये जो है ये किस्म का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि आपने पहले सेट को दूसरे से रिलेट किया है कि यार जब मैंने वन पुट किया था तो मुझे आंसर क्या मिला, मुझे आंसर थ्री मिला। जब मैंने वन पुट किया था तो मुझे आंसर क्या मिला, मुझे फोर मिला। ये किस्म का रिलेशन आपने बता दिया। इसी तरीके से आप फॉर एग्जाम्पल 1.3 रखो, आप 2.3 रखो, ये भी एक किस्म का रिलेशन है कि आपने 1 पुट किया आपको 3 आउटपुट मिला, आपने 2 पुट किया आपको 3 आउटपुट मिला। तो कहने का मतलब रिलेशन क्या है कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट निकाल लेना। अब सबसेट आप डिफरेंट बना सकते हो, इसके अंदर चार एलिमेंट है तो कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 4, 16 सबसेट, मतलब 16 रिलेशन आप यहां पर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ये इजाफा कर दो 2.3, ये आप बना लो, तो सारे रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें आपको ताल्लुक नजर आ रहा है दो सेट का। पहला वाला सेट जो है उसको इनपुट आप कह रहे होते हो, दूसरा जो है वो आप आउटपुट कह रहे होते हो। तो डिफरेंट तरीके से रिलेशन को एक्सप्रेस किया जाता है, टेबुलर फॉर्म कहलाती है। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो इक्वेशन से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी आप ग्राफ से उनको एनालाइज कर रहे होते हो, डिफरेंट तरीके होते हैं। अब फंक्शन क्या होगा, भाई रिलेशन तो आपने पढ़ लिया सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो फंक्शन भी यही है। फंक्शन भी रिलेशन था ना, तो इसका मतलब फंक्शन भी क्या होगा, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन फंक्शन के अंदर वो आपने खास बात देखनी है कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात हर इनपुट का कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास क्या है, ये रिलेशन मेरे पास फंक्शन है। क्यों? सबसे पहली बात क्या है, हर इनपुट का एक ही आउटपुट है। अच्छा, डिफरेंट इनपुट के सेम आउटपुट हो सकते हैं, ये अलाउड है। ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल दो इनपुट है उनका सेम ही आउटपुट आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक इनपुट के दो आउटपुट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो 1 का आउटपुट 3 है, 2 का आउटपुट 3 है, दोनों का आउटपुट बेशक सेम है लेकिन एक एक ही आउटपुट है। ऐसा नहीं है, जैसे ऊपर देखो यहां पे 1 का आउटपुट 3 है, 1 का आउटपुट 4 है, मतलब यहां पे 1 के 2 आउटपुट नजर आ रहे हैं आपको, तो ये फंक्शन नहीं है। तो यहां पे देखो, ये आपको डेफिनेशन मिलेगी फंक्शन की। दूसरी बात, जो सेट ए है, जो पहला सेट अगर आपको सवाल में दिया जाता है, जब इस फॉर्म में दिया जाए टेबुलर फॉर्म में, और आपको पहला मतलब सेट ए सेट बी आपको गिवन हो, तो आपने देखना है इनपुट के सारे एलिमेंट का आउटपुट होना चाहिए। तो इनपुट के अंदर दो एलिमेंट थे 1 और 2, उन सब का आउटपुट आपके सामने मौजूद है, 1.3 2.3, ठीक है। बिलफर्स ऊपर अगर आप देखो, ये फंक्शन हो सकता था लेकिन ये वाली चीज इसको फंक्शन नहीं बना रही थी, इसको आपको हटाना पड़ेगा तो ये फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी चीजों का एनालाइज कर सकते हो। जो पहला सेट है इसको आप बोलते हो डोमेन, इनपुट को डोमेन भी बोला जाता है, और दूसरा सेट जो है ना वो कोडोमेन कहलाता है, उसको हम आउटपुट नहीं कहते, कोडोमेन का वर्ड। देखो तीन वर्ड होते हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इसको मैं मजीद आप लोगों को थोड़ा और बता दूंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अभी मैं डेफिनेशन आप लोगों की क्लियर कर रहा था। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, ऐसा बोलते क्या हम इसको, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा कि जो वाई है वो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, तो हम बोलते क्या है, हम बोलते हैं कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वाई जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर, तो ये वाला वर्ड यूज किया जाता है। वैसे लिखते हैं हम कैसे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बोला क्या जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये बेसिक बातें मैंने आप लोगों को फंक्शन की बता दी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन लिखा हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें इनपुट आपने फॉर एग्जाम्पल x की जगह 1 करना है, तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो आउटपुट आपको क्या मिला, 1 मिल गया। इसी तरह अगर आप 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, आपको आउटपुट क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो ये बेसिक बातें फंक्शन रिलेशन ये सब मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। अब जरा हम इस टॉपिक पे आते हैं कि यार आपने फंक्शन पहचानना किस तरीके से, कि क्या ये फंक्शन जो आपको गिवन है, क्या जो रिलेशन है क्या वो फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, अच्छा यहां पे मैं क्लियर कर दूं, छोटे मोटे सवाल इससे पूछे जा सकते हैं। एक तो पहली बात मैंने बताई कि रिलेशन कार्टेशियन सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी आपको नजर आ रहे हैं आप सबसेट निकाल लो, वो क्या कहलाए जाएंगे, रिलेशन कहलाए जाएंगे। कभी आपको बोला जाएगा रिलेशन का इनवर्स निकालो, इनवर्स का भी टॉपिक है, मैं आगे जाके क्लियर करूंगा आप लोगों को। लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में, इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं, अगर इस फॉर्म में आपको दिया हुआ रिलेशन, तो इनवर्स आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर मुझे इस रिलेशन का इनवर्स निकालना है, इनवर्स के लिए हम -1 का सिंबल यूज करते हैं, -1 पावर नहीं है, इनवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने क्या करना होता है, इनवर्स रिलेशन के लिए, इनवर्स मालूम करने के लिए आपने स्विच करने हैं, जो इनपुट और आउटपुट है इसको आपस में स्विच करना है। तो ये हो जाएगा 1.3 था 3.1, 1.4 है 4.1, 2.3 है 3.2, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। इसी तरह अब सेट की बात हो रही है तो आखिरी बात ये भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया जाए, रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो अगेन रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
अगर आपको याद हो किसी भी सेट का आप जब कॉम्प्लीमेंट निकालते थे उसको यूनिवर्सल से माइनस करते थे। यहां पे रिलेशन का यूनिवर्सल क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि रिलेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनाया गया है। तो रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन को माइनस करते हो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? जैसे वहां यूनिवर्सल से माइनस करते थे ना, यहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट से माइनस कर दो। तो आप ऑब्जर्व करो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये चार ऑर्डर्ड पेयर थे, ठीक है, जबकि रिलेशन के अंदर फॉर एग्जांपल ये R1 का मैं निकाल रहा हूं ना, तो R1 के अंदर ये तीन ऑर्डर्ड पेयर है। तो जब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप माइनस करोगे R को, तो ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, ये वाली कैंसिल, ये वाली कैंसिल, पीछे क्या बचेगा? 2, 4। तो इस तरीके से अगर छोटी मोटी बातें आपसे पूछी जाए तो आपको पता होनी चाहिए। अब जरा हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि क्या रिलेशन कोई फंक्शन है, डिफरेंट फॉर्म होती है। यहीं पे हम मैपिंग डायग्राम भी कवर करेंगे, जरा मैपिंग डायग्राम भी देख लेते हैं और आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस भी बता दूं टर्मिनोलॉजी में, कोड डोमेन, रेंज, इनमें क्या फर्क है। तो सबसे पहले मैपिंग डायग्राम में क्या होता है कि आपने दो सेट पिक करने हैं जिनके दरमियान ताल्लुक एक आपको नजर आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, सेट बी के अंदर एलिमेंट मिलेंगे 4, 5, 6, कुछ भी एलिमेंट आप कंसिडर कर सकते हो, कुछ ज्यादा भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 कंसिडर कर लो, यहाँ पे 0 कंसिडर कर लो, 1 कंसिडर कर लो, इसके अंदर कितने 6 एलिमेंट है, नहीं हाँ इसमें 6 एलिमेंट है, इसके 3 एलिमेंट है, कोई इशू नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं अभी ताल्लुक क्या है इनमें, ठीक है। तो रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, अभी आपको इस रिलेशन की कोई इक्वेशन नहीं गिवन, आपको नहीं पता कि इनपुट आउटपुट क्या है, लेकिन मैं खुद आपको दे देता हूं कि मैं आपको एरो लगा के देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 को इस तरह 4 से लगाता हूं, तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि 1 मैंने इनपुट किया था, मुझे आउटपुट क्या मिला? 4। आपको इक्वेशन की जरूरत नहीं है। मैंने 2 पुट किया, मुझे आउटपुट मिला 0, ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरह मैंने 3 पुट किया तो मुझे आउटपुट मिला 6, इस तरीके से आपको बता दिया जाएगा। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि हर इनपुट का एक ही आउटपुट है। अगर ये वाली कंडीशन होती ना जैसे ये, तो अब ये फंक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि 1 का एक आउटपुट 4 भी है, 1 का एक आउटपुट 1 भी है, तो ये आप फंक्शन नहीं कहलाता, ठीक है। तो ये बेसिक फर्क आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो मैंने फंक्शन की डेफिनेशन में बताई थी कि जो पहला सेट है, जो इनपुट का सेट है, उसके सारे एलिमेंट का आउटपुट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले सेट में कोई एलिमेंट फारिग बैठा हुआ है जिससे कोई एरो नहीं जा रहा, वो फिर सेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करो इनपुट के जितने भी एलिमेंट्स थे सबका कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिल गया, तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पे चीज समझते हैं कि कोड डोमेन और रेंज में क्या फर्क है। भाई जो पहला सेट ए है इसको तो सर ने बता दिया कि भाई ये डोमेन है, ये दूसरा सेट बी है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कोड डोमेन बोलते हैं। कोड डोमेन बेसिकली क्या होता है? कोड डोमेन ये होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार इस सेट के एलिमेंट में से कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा आपका। जैसे इस सेट के अंदर टोटल 6 एलिमेंट है, तो आप ही बोलोगे यार इन 6 एलिमेंट में से आपका कुछ आउटपुट आएगा, ये कहलाया जाएगा कोड डोमेन। जबकि रेंज क्या होती है, मतलब आउटपुट क्या होता है जो एक्चुअल में आपके पास आया है आउटपुट। रेंज हम क्या बोलते हैं? जो एक्चुअल में आउटपुट आया। अब देखो एक्चुअल में आउटपुट 4, 0 और 6 आया आपके पास, जबकि कोड डोमेन क्या है? कोड डोमेन यहां पर कंसिडर होगी कि एक सेकेंड बैटरी लो हो रही है। तो कोड डोमेन यहां पे क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के अंदर जितने एलिमेंट है वो कोड डोमेन माने जाएंगे। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन एलिमेंट में से हमारा कुछ आउटपुट आएगा। जो एक्चुअल में आउटपुट आए हैं ना एलिमेंट, उनको आप क्या बोलोगे? रेंज। तो यहां पे कोड डोमेन के अंदर कौन से एलिमेंट है? 4, 1, 5, 0, 6, 7 और यहां पर रेंज के अंदर क्या एलिमेंट है? 4, 0, 6। ये आपको थोड़ा फर्क नजर आएगा कोड डोमेन और रेंज के अंदर। तो ये फर्क मैंने क्लियर कर दिया। मैपिंग डायग्राम में तो आपने सीख लिया कि यार फंक्शन क्या होता है, क्या डेफिनेशन है हर चीज। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ग्राफ फॉर्म आ जाए, आपको कोई ग्राफ दिया जाए, तो मैं जरा ग्राफ ड्रॉ करता हूं किसी एक रिलेशन का। अभी मैं रिलेशन बोल रहा हूं क्योंकि हमें नहीं पता वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो हम दो डिस्कस करते हैं, एक डिस्कस करते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप वाई लिखो या एफ ऑफ एक्स लिखो बात एक ही होती है, और एक हम डिस्कस करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो आपको एक पैराबोला इस टाइप का मिलेगा, और जब इसका ग्राफ बनाओगे अभी भी आपको पैराबोला मिलेगा, लेकिन पहले पैराबोला का एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस था, अब उसका एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो गया। ये मैंने दो ग्राफ आप लोगों के सामने बनाए हैं। अब अगर आपको बेशक इक्वेशन से भी आप पता कर सकते हो, मैं एक इनपुट करूंगा आउटपुट मुझे 2 मिलेंगे, यहां से भी पता कर सकता हूं कि ये फंक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको इक्वेशन ना भी गिवन हो, आपको जस्ट ग्राफ गिवन हो, तो कैसे मालूम करोगे? इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको आप क्या बोलते हो? वर्टिकल लाइन टेस्ट। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो दोबारा देख लो, तो पहली दफा देख लो। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि आप ग्राफ के ऊपर वर्टिकल लाइंस बनाते हो, अगर हर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पर क्रॉस कर रही है इसका मतलब वो फंक्शन का ग्राफ है। जैसे यहां पे मैं वर्टिकल लाइन बनाऊं, वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, मैं यहां पर बनाऊं एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, मैं यहां पर बनाऊं एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही है।
जबकि जो फंक्शनल ग्राफ नहीं है ना उसमें अगर आप वर्टिकल लाइन बनाते हो तो एक से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस करती है। ये देखो, तो यहां से आप समझ जाओगे कि यार ये चीज जो है ये रिलेशन तो है लेकिन ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, जबकि ये रिलेशन जो है ये क्या है, फंक्शन। तो फंक्शन नॉट अ फंक्शन। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से आप मालूम कर सकते हो कि क्या कोई चीज फंक्शन है या नहीं है। इसी तरह अब फंक्शन की कुछ टाइप्स होती है, मैं रिकमेंड करूंगा, मैंने अपने चैनल पर डिटेल में अपलोड की है। ऑब्वियसली मैं आप डिटेल में हर चीज तो नहीं बता सकता क्योंकि ये मुझे रिवाइज करवाना है, तो जो इंपॉर्टेंट बातें जो कैलकुलस में आती है मैं वो वाले फंक्शन रिवाइज करवा रहूंगा, हर फंक्शन में रिवाइज नहीं करवा पाऊंगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा मेरे चैनल पर अगर आप लोग जाओगे तो फंक्शन का आपको एक चैप्टर मिलेगा, वहां पर मैंने सारी टाइप डिटेल में डिस्कस की हुई है। फंक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होती है जैसे वन टू वन, ऑन टू, इन टू, सब्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, ये सारे फंक्शन होते हैं, आप लोग देख लेना। इसमें से मैं एक बता दूं, वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जिसमें आप जितने इनपुट है ना उनके आउटपुट डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ये वन टू वन फंक्शन है, इसमें हर इनपुट का आपको डिफरेंट आउटपुट नजर आ रहा है। ऐसा नहीं कि वन और टू का सेम आउटपुट हो फोर, वो वन टू वन नहीं होता। आउटपुट अगर डिफरेंट है हर इनपुट के तो उस वाले फंक्शन को आप बोलते हो वन टू वन। तो वन टू वन फंक्शन को चेक करने के लिए आप एक टेस्ट यूज करते हो जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आप वही हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस कर रही है तो वो फंक्शन वन टू वन नहीं है, और अगर एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रही है तो वो फंक्शन वन टू वन है। जैसे अगर आप यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे इस ग्राफ के ऊपर, तो आप ऑब्जर्व करोगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को दो पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। इसका मतलब ये फंक्शन का ग्राफ तो है क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट को पूरा कर रहा है, लेकिन ये वन टू वन फंक्शन नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को ये पास नहीं कर रहा, एक वर्टिकल लाइन दो पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। अब ये जो है ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को तो पास कर रहा है, ये वन टू वन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, तो इसका वन टू वन रिलेशन बोल सकते हो। जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब जो है वन टू वन फंक्शन है। अगर आप एक्स क्यूब का ग्राफ देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जो क्यूबिक फंक्शन है उसका ग्राफ होता है इस टाइप का। ग्राफ आप लोगों को सब याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अगर इसमें देखो आप वर्टिकल लाइन बनाओ वो भी पास करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ वो भी पास करेगा, तो इसको आप क्या बोलोगे, वन टू वन फंक्शन। तो बच्चों बेसिक बातें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है, और मेरे पास क्या है, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बता दी है हर चीज। अच्छा जी, सेट फॉर्म में डेफिनेशन भी बता दी है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एक और नोटेशन भी होती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जो भी फंक्शन की इक्वेशन होगी वो आपको दे दी जाए। और एक और तरीके से जो सेट ए और बी है ना, इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एफ मतलब फंक्शन का नाम, ए टू बी, ये बिल्कुल वही तरीका है जो आपको इस तरह दिया हुआ है। ए टू बी तो जनरलाइज है ना, मैं इसको स्पेसिफिक कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख दूं आर टू एन, या आर टू आर कर देते हैं, ज्यादातर आपको आर टू आर नजर आता है। इसका मतलब क्या है, जो पहली चीज है वो डोमेन होती है, और जो दूसरी चीज है वो मैंने आपको को डोमेन बताया, दूसरा सेट को डोमेन होता है, उसी में से कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिल जाएगा, और पहला सेट क्या होता है, डोमेन होता है। आउटपुट को इतनी अहमियत हम देते नहीं है, डोमेन काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी फंक्शन की, क्या इस फंक्शन की डोमेन क्या है, इसमें मैं क्या पुट कर सकता हूं। जैसे रैशनल फंक्शन जो है, रैशनल फंक्शन में मैं हर रियल नंबर नहीं पुट कर सकता, वो रियल नंबर जो डिनोमिनेटर को जीरो कर रहे हैं वो मैं पुट नहीं कर सकता। तो ये फंक्शन की डोमेन काफी इंपॉर्टेंट होती है जो आप निकालते हो, लेकिन नोटेशन मैंने बता दी इस तरीके से आपको नजर आता है, तो समझ जाना पहला डोमेन, दूसरा जो है वो को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने देख लिया। अच्छा जी, अब कुछ रिलेशन का ग्राफ, तो एक तो मैंने बता दिया रिलेशन का ही ग्राफ है, इसी तरह हम एक सर्किल का ग्राफ देखते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो, मैंने लास्ट क्लास जो आप लोगों को दी थी एनालिटिकल ज्योमेट्री पे, कॉनिक सेक्शन पे, तो ये जो है ये यूनिट सर्किल की इक्वेशन है। अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो ये इस टाइप का बनता है, इसका रेडियस वन होता है, कंसिडर कर लो ये वन है, यहां पे भी वन, यहां पे माइनस वन, यहां पे वन, तो आपको इस किस्म का एक सर्किल नजर आएगा जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है और जिसका रेडियस जो है वो वन है। डायग्राम ऑब्वियसली मेरी सही नहीं बनी। अगर आप देखो तो एक रिलेशन है, अगर आप एक इनपुट करोगे आपको दो आउटपुट मिलेंगे, आप ग्राफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वन और माइनस वन दोनों पे आपको जीरो वैल्यू मिलेगी, क्यों, आप यहां पे वन पुट कर लो, या अगर आप माइनस वन पुट कर लो एक्स की जगह पे, आपको वाई वैल्यू जीरो मिलेगी, ग्राफ से भी आप देख सकते हो। इसी तरह अगर आप ऑब्जर्व करो, यहां पे बेशक आप कोई भी एक्स पुट कर दो क्योंकि वाई स्क्वायर है ना, तो जब आप सॉल्व करोगे वाई की आपको दो वैल्यूज मिल रही होंगी, और अगर आप वर्टिकल लाइन बनाओगे तब भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर इसको आप थोड़ा इसकी अगर आप रिस्ट्रिक्ट हम करते हैं रेंज इन द सेंस कि हम बोलते हैं कि यार फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का जो हिस्सा है ना उसी को हम कंसीडर करते हैं, उसको मैथमेटिकल अंदाज में किस तरह लिखोगे, जैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर,
y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तो देखो ये फंक्शन नहीं है ना, रिलेशन है। इस फॉर्म में अगर आप देखो, एक इनपुट करेंगे आपको प्लस माइनस दो आउटपुट मिल रहे होंगे, लेकिन हम इसको अलग अलग देखें, मतलब एक हम पॉजिटिव कंसीडर करें और एक हम नेगेटिव कंसीडर करें, तो अगर आप इनको अलग अलग देखोगे तो ये फंक्शन है। कैसे? अगर मैं इस चीज को ड्रॉ करूं तो ये फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको जो सर्किल मिल रहा है ना, सेमी सर्किल, ये उसकी इक्वेशन है। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस सेमी सर्किल की इक्वेशन होती है, ये वाली की। तो अगर आप देखो जस्ट अगर आप इस सेमी सर्कल को कंसीडर करो तो ये बिल्कुल फंक्शन है, वर्टिकल लाइन को पास कर रहा होगा, बिल्कुल फंक्शन है, एक इनपुट का आपको एक ही आउटपुट मिल रहा होगा। और अगर आप इस पीस को कंसीडर करो तब भी ये फंक्शन होगा। ये पीस क्या है? जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये वाला। तो अगर आप खाली इसको एनालाइज करो, ऊपर वाले को इग्नोर कर दो, ये जो नीचे वाला सेमी सर्कल है इसको अगर आप कंसीडर करो, सिर्फ इसको, जिसकी इक्वेशन ये है, तो अगेन यह फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन कर दी जाए तो रिलेशन फंक्शन बन सकता है। यही काम आप करते हो काफी फंक्शन के साथ, कि आप डोमेन उनकी रिस्ट्रिक्ट कर देते हो अगर आपने उन रिलेशन को फंक्शन बनाना है। और कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिसमें आप फंक्शन को भी वन टू वन अगर बनाना चाह रहे हो तो आप रिस्ट्रिक्शन करते हो। जैसे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनके इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि जितने वन टू वन फंक्शन है ना, या अगर मैं स्ट्रिक्टली बात करूं जितने बाइजेक्टिव फंक्शन है, उनका जब आप इनवर्स निकालते हो तो इनवर्स भी फंक्शन आता है। बाकी अगर आप किसी फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो वो इनवर्स फंक्शन नहीं आएगा, रिलेशन आ रहा होगा। ये मसला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ होता है। तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को वन टू वन बना देते हैं ताकि उनका इनवर्स भी फंक्शन आए। वन टू वन बनाने के लिए अगेन आपको डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, वो वन टू वन बनता है और फिर वो पूरा प्रोसेस करते हो। ये भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है कि डोमेन रेंज क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की और इनवर्स कैसे आते हैं, सब चीजें कवर है। तो इस तरीके से भी अगर आप अलग अलग इनको ऑब्जर्व करोगे तो आपको फंक्शन नजर आएंगे।